गई चमेली, आज बड़ा कम दूध दिया तूने, क्या बात है? अच्छा बच्चू, तुम तो जैसे मुझे रोज पिज्जा बर्गर देते हो ना खाने के लिए, जब मैं तुमको रोज दूध दूंगी मोटी कहेंगी। हैं? तू मुझे मोटी बोल रही है? अरे मोटी को मोटी ना बोलूं तो क्या दीपिका पादुकोण बोलूं? बकवास करने लगी आजकल चमेली तू। बे ओ मोटी, चले जाए यहाँ से, ये सिंह दिख रही है ऐसे मार दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अथ श्री रघुनाथ कथा। कथा शुरू होती है एक गांव से, जहां पर हरियाणा के छोरिया के डोलिया पे टैटू भोलेनाथ तेरा जचदायो। अरे ये कौन आ गया सुबह सुबह? लगता है कोई रास्ता भटक गया है। मेरे को भी यही लगता है। अरे अरे अरे, ये तो मेरा लाल है लाल। अरे मेरा बेटा। और मम्मी पापा बहना कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखा, मैंने कहता था इतने साल शहर में रहने के बाद भी बेटा अपने गांव में आया है और संस्कृति अपनी नहीं भूला है, कुर्ता पैजामा पहन के। अरे वो सब छोड़ो, चलो चलो जल्दी चलो, सामान लेके बाहर निकलो जल्दी फटाफट। क्यों बेटा, अभी तो ढंग से जवान भी नहीं हुआ और ना ही हम बूढ़े, और तेरी बहन तो इतना खाती भी नहीं है जो तू अभी से हमें बाहर निकाल रहा है। हाँ भाई, दो वक्त की 10 रोटी और हफ्ते भर के 7 कपड़ों के अलावा मैंने कुछ मांगा है कभी? 15 साल पहले तू ये घर छोड़ के गया था और आज तू आ गया है हमारे को हमारे घर से निकालने के लिए। मुझे तो पहले ही पता था जो भी शहर में जाता है ना वहाँ जाके वो बिगड़ जाता है। अरे यार मम्मी पापा बहन, ना ही मैं बिगड़ा हूँ और ना ही आप लोगों को घर से बाहर निकाल रहा हूँ। तो तू क्या चाहता है, हम अपना सामान लेके वृद्धाश्रम चले जाएं? अरे नहीं, अरे मैं आप लोगों को शहर ले जाने आया हूँ, शहर शहर। बेटा तू एक काम कर, तू वापिस ही चला जा, हमें नहीं जाना शहर वहर, समझे? चल चला जा यहाँ से। अरे यार मम्मी पापा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। ये देखो आपका बेटा गाड़ी लेकर आया, ये मेरी ना खुद की पर्सनल गाड़ी है, इतनी बड़ी, देखो देखो है? हाँ मम्मी, ये मेरी गाड़ी है, मतलब हमारी। सच्ची? जाके देखो। अरे भाई तू ये क्या कर रहा है फोन में? अरे बहन मैं फोन से पैसे कमा रहा हूँ। फोन पर पैसे, लेकिन वो कैसे? ये देख, इस ऐप का नाम फेयर प्ले है और ये बेटिंग एक्सचेंज ऐप है। ये कौन सी ऐप है, मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में, क्या ये सिक्योर ऐप है? फेयर प्ले इंडिया की सबसे और ट्रस्टवर्दी ऐप है, यहाँ बैटिंग प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे ओड्स मिलते हैं, जहाँ सेम अमाउंट के सौदे पे ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, मैंने खुद सारे प्लेटफॉर्म पर कंपेयर किया है। और लॉस का क्या? अरे यार तू लॉस की चिंता मत कर, फेयर प्ले इकलौता बैटिंग ऐप है, यहाँ 200% बोनस मिलती है फर्स्ट डिपॉजिट पे, और तो और इसी पूरे आईपीएल सीजन में तो यहाँ 15% हार कट बोनस भी मिलती है वीकली लॉसेस पे, और 15% रेफरल बोनस तेरे दोस्त के हर डिपॉजिट पे। और तेरे को पता है इसके अलावा फेयर प्ले और लॉयल्टी प्रोग्राम भी है, और हमें यहाँ डिपॉजिट पर बोनस भी मिलेगा, लाइव कार्ड कैसीनोस के टर्नओवर पर भी बोनस मिलेगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है, पर अगर इसके बारे में किसी को कुछ ना पता हो और हेल्प चाहिए हो तो कैसे होगा? है ना, अरे उसकी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी है, जिससे कभी भी कैसे भी कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो वो क्लियर कर सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया है यार, तू भी ये ट्राई कर, मेरा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साइन अप करियो। और हाँ टेंशन मत ले, तेरे को बैट लगानी है फिर कहीं से भी पैसे कमाओ आराम से। और हाँ एक और चीज, यहाँ इंस्टेंट विड्रॉल भी है, और तो और मल्टीपल एडवांस और फैंसी मार्केट ऑप्शन भी है यहाँ। सही है यार, अब तो मैं भी पक्का ट्राई करूंगी। हाँ हाँ कर लियो, तेरे को गाड़ी नहीं देखनी क्या? देखनी है ना, तो जल्दी चल जल्दी चल। अरे बहन मम्मी पापा कहाँ गए? पता नहीं भाई, नीचे तो नहीं है। ये देख। अरे मम्मी पापा भी यहाँ नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? अरे इसका इंजन ढूंढ रहे हैं हम। इंजन? अरे पापा इसका इंजन वहां थोड़ी होता है, यहाँ होता है, आ जाओ। Thank you.
बस बहन रुक जा रुक जा रुक जा। तो मम्मी पापा बहन तो चले शहर मेरे साथ नए घर में। हाँ मैं तो अपने लाल के साथ ही जाऊंगी। और मैं तो शादी करके ना इसी गाड़ी में जाऊंगी ससुराल। अभी करा दो तेरी शादी हैं? अरे रुको रुको बेटा अपने कपड़े लेते सामान तो ले ले। अरे पापा सामान का क्या करोगे, मैं पैसे जो कमाने लग गया हूँ आप लोगों को नया सामान दिला दूंगा ना। तो चले फिर। चलो 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 लेट्स गो। ये रहा बेटा, ये है हमारा घर। हाँ पापा यही है मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा घर। छोटा सा? कितना बड़ा है ये? अरे मोरी मैया। बेटा इतना बड़ा तो हमारा गांव भी नहीं था जितना बड़ा ये घर है। बेटा ये इतने सारे कूलर घर के बाहर क्यों लगे हैं? अरे मम्मी वो कूलर नहीं है वो एसी है। भाई पूरा घर शीशे का बना हुआ है गिरते नहीं है ये। अरे अब सारी बातें घर के बाहर ही कर लोगे या घर के अंदर भी चलोगे? चलो चलो जल्दी चलो। आओ मम्मी पापा आओ अपने बेटे के घर में। तो कैसा लगा? इतना बड़ा मकान आपके बेटे का है? Yes! मेरे को तो अरे अरे चक्कर से आ गए। अब तो खुश हो ना पापा? हाँ बेटा बहुत खुश हूँ। हाँ बहन वो देख तेरे को एक चीज दिखाता हूँ जल्दी आ। ये देख इतनी बड़ी अलमारी। अरे बुद्धू ये अलमारी नहीं है ये फ्रिज है। फ्रिज ये देख। ओरे मोरे मैया इतना बड़ा कूलर ठंडी हमारी मम्मी इसमें। अरे पागल ये कूलर नहीं है फ्रिज है। इसमें पानी ठंडा होता है और ऊपर वाले में आइस जमाते हैं मतलब बर्फ और नीचे वाले में पानी रखते हैं ठंडा होने के लिए और वेजिटेबल्स रखते हैं मतलब सब्जियां। मम्मी देखो कितनी ठंडी हमारी। ये क्या कर रहे हो? अरे देखा नहीं क्या आज तक? ठीक है अब कुछ और दिखा दो। चलो 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 हाँ ठीक है फ्रिज। चलो ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो पापा मम्मी ये है टीवी। क्या टीवी की बीमारी है क्या? अरे टीवी की बीमारी नहीं टीवी मतलब जिसमें पिक्चरें आती है फिल्म वगैरह। सिनेमा हॉल सिनेमा हॉल। हाँ मम्मी सिनेमा हॉल वाला सिनेमा हॉल छोटा सिनेमा हॉल। टीवी नहीं पापा टीवी टीवी बोलते हैं इसको मम्मी टीवी। ओहो अच्छा 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 अच्छा। और ऊ का है छोटा सा? ये पापा ये इसका ये कंप्यूटर है इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर? हाँ ये देखो इधर देखो इधर आओ ये देखो ये पापा ये कंप्यूटर है। ये देखो ये कीबोर्ड है इसमें मैं काम करता हूँ। अच्छा 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 हाँ। और ये देखो ये देखो ये एसी है एसी इसमें से ठंडी हवा आती है। ठंडी हवा आती है मतलब ये दूसरा फ्रिज है ना छोटे वाला? अरे नहीं ये फ्रिज नहीं है ये एसी है। एसी है? भाई तू कभी फ्रिज को एसी बोलता है कभी एसी को फ्रिज बोलता है तू हमें पागल बना रहा है। अरे मैं कोई पागल नहीं बना रहा तुम सारे मेरे को पागल बना रहे हो यार मैं समझा के पागल हो जाऊं लग रहा है। अरे ये भी है एसी है इसमें सोते हैं बस मतलब इसके अंदर नहीं सोते मेरे को पता है तू अंदर बोलेगी लेकिन बेड पे सोते हैं। हाँ हाँ चलो एक और आखिरी चीज दिखाता हूँ चलो चलो। और इसका तो पता ही होगा ये बेड है। चलो खाट 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 चलो। और आखिरी में मम्मी पापा ये देखो क्या है? ये क्या है बेटा? अरे पापा इसे हम सोफा कहते हैं। सोफा? हाँ सोफा जिस पर मेहमान बैठते हैं अगर कोई बाहर से मेहमान आता तो हम इस पे बिठाते हैं उसको। अच्छा तो मैं बैठ जाऊँ इस पर? हाँ बैठ जा ठीक है।
मम्मी इसमें से तो वापस उछल के आ रहे, देखो बैठ गए। ओ क्या बात है। हो गया तुम लोगों का, देख लिया पूरा घर अच्छे से? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शाम को ना रेडी हो जाना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? अरे सर पे पढ़ना पढ़ना। अरे नहीं, सरप्राइज को हिंदी में क्या कहते हैं? है यार तुम्हारे लिए कुछ है, ठीक है? तुम लोग बस तैयार हो जाना, ठीक है? ठीक है। ओ भाई हमारे नए कपड़े? हाँ वो भी मैंने मंगवा दिए हैं, वो तुम पहन लेना, ठीक है? ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ। अरे अब चलो भी, अरे चलो। कहीं ये लड़का हमें तैयार करा के दोबारा गांव तो नहीं छोड़ने जा रहा? तब तो अच्छा है वैसे, पर आप ना वो छोटा वाला सिनेमा हॉल होता है ना वो ले चलना गांव में, गांव में सबको दिखाएंगे। है, है! अरे पगली, सिनेमा हॉल नहीं टीवी बोलते हैं उसको, टीवी। टीवी? हाँ। अरे पापा टीवी नहीं टीवी होता है वो, और मैं नहीं जाने वाली वापिस गाँव में, मैं तो यही रहूंगी, आपको जाना है तो जाओ। अच्छा तो चूल्हे में आग कौन फूकेगा बता? अरे मम्मी मैंने रसोई घर में ना एक अजीब सी वो चूल्हा सा देखा था, वो ले चलेंगे अपने साथ। आग जलती है उसमें? हाँ। ठीक है ठीक है। कहाँ रह गया ये लड़का? अरे शिवम, आ तो फिर सारे रेडी हो गए, चलें फिर। बेटा कहीं तुम्हें फिर से गांव तो नहीं छोड़ने जा रहा? अरे मम्मी ऐसा आपसे किस गधे ने कहा? क्या यार पापा, मैं आपको इतनी दूर गांव से यहाँ शहर लेकर आया और नए कपड़े पहना दिए गांव वापस छोड़ने के लिए, कैसी बात करते हो पापा आप भी यार। अरे बेटा मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। फिर बेटा हम जा कहाँ रहे हैं? वो सरप्राइज है, चलो मेरे साथ। हैं? सर पर? शिवम बेटा रुक ना, तू ये हमें लाया कहाँ है? बेटा ये इतनी बड़ी जगह हमारी है क्या? हाँ मेरी यही जगह है, मेरे ससुर ने मेरे को दहेज में दी थी ये। हाँ मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, इस लड़के ने हमसे बिना पूछे शादी भी कर ली। अरे मम्मी मैंने कोई शादी वादी नहीं करी है। वैसे बेटा कोई बात नहीं, जब दहेज में इतनी बड़ी जगह मिली है ना तो हमें शादी मंजूर है। अरे मम्मी वो तो मैं वैसे ही बोल रहा था, ये जगह हमारी नहीं है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे आपकी बहू से मिलवाने लाया हूँ। क्या भाभी यहाँ रहती है? अरे तेरी भाभी यहाँ नहीं रहती, यहाँ पे लोग खाना खाने आते हैं। बेटा यहाँ खाना फ्री मिलता है क्या? अरे पापा यहाँ खाना फ्री में नहीं मिलता, यहाँ पे पैसे दे के खाना मिलता है। क्या यार ये क्या बात हुई, पैसे दे के खाना तू यहाँ खाएगा? अब मैं आ गई हूँ तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं वो क्या होता है वो रसोई घर किटन, किटन में ना मैं खाना बना दिया करूंगी तेरे लिए। अरे मम्मी वो किटन नहीं है, किचन। ओके किचन। हाँ ठीक है। और वो सब छोड़ो, जल्दी अंदर चलो यार, तुम लोग टाइम वेस्ट करा रहे हो। तुझे यहाँ आने की आज से कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन मम्मी आपकी बहू तो यही आएगी ना। क्यों भाभी को हमारे घर का रास्ता नहीं पता क्या? अरे मंद बुद्धि, उसको घर का रास्ता पता है, लेकिन उससे हम यही मिलेंगे। अब ज्यादा बातें मत करो, सीधा अंदर चलो। फॉलो मी। बहू से मिलने के लिए कैसा उतावला हो रहा है, सर फुटवा लिया। अरे बेटा ये तो बहुत ही बड़ी जगह है। हाँ पापा है ना बड़ी जगह। हाँ एक सेकंड, एक्सक्यूज मी वेटर। शिवम ये वेटर क्या होता है? पापा मुझे लगता है भाभी का ना भाई होगा, है ना भैया? वेटर एक्सक्यूज मी। वन पिज्जा, वन पिज्जा एंड फोर सैंडविचेस, फोर सैंडविचेस एंड थ्री कोल्ड कॉफी, थ्री कोल्ड कॉफी एंड वन मैंगो शेक। ओके दैट्स इनफ। ओके थैंक यू। वेलकम। वैसे बेटा
तेरे पास बहू की कोई तस्वीर वस्वीर नहीं है क्या? दिखा दे। अरे है नामा, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये रही। अरे अब तुम ही देखती रहोगी या मुझे भी दिखाओगी? लाओ जल्दी दिखाओ। भैया भाभी कब आएगी? अरे बहन आती होगी, तब तक खाना आ रहा है, तुम लोग खाना खाओ। क्या होगा पापा? बेटा बहुत ही पेशाब आया। चीची तो जाओ करके आओ ना, और थोड़ा जल्दी आना, खाना ठंडा हो रहा है। ठीक है बेटा। भाई भाभी तो बिल्कुल चांद है चांद। अच्छा मैं नहीं हूँ चांद? नहीं। क्यों? तेरे पास डिग्री नहीं है ना। डिग्री? चुप कर तू। अच्छा चल ठीक है, तू भी ठीक ठाक ही है। खाओ 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 खाओ। पापा जल्दी नहीं आ गए आप? थोड़ा सा पापा। अरे वो पापा आप इतनी लेट आए ना, तो हमने आपका भी खाना खा लिया। अरे क्या हो गया पापा को, बोल क्यों नहीं रहे कुछ पापा? अरे पापा टेंशन मत लो, हमने आपका खाना पैक करवा दिया, ठीक है घर पे खा लेना। बेटा मुझे भूख नहीं है, चलो घर चलते हैं। अच्छा चलो चलो फिर चलो। पर भैया भाभी तो आई नहीं अभी तक। ओ यार शिट, मैं यार तुम लोगों को बताना भूल गया, वो ना अभी उसका मैसेज आया था मेरे पास, उसको कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया, तो वो आज आ नहीं पाएगी यार। तो मम्मी पापा मैं आपको कभी और मिलाऊंगा उससे, ठीक है? मेरे से तो वो कल वैसे मिलने वाली है, लेकिन तुमको कभी और मिलाऊंगा, ठीक है? चलो 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 बेटा, मैं एक बार बिल भर के आया, ठीक है? ठीक है चलो। आखिर किसकी जरूरत हुई इतनी? बताओ मुझे कौन था, बताओ बताओ बताओ, जिसने मुझे उठाया? क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं, बोलो ना। मैंने, मेरी जरूरत हुई, मैंने तुझे उठाया। लेकिन क्यों उठाया मम्मी मेरे को इतनी सुबह सुबह? बेटा सुबह सुबह उठना अच्छी बात होती है। क्या अच्छी बात होती है सुबह सुबह उठना, नींद खराब कर दी सारी की सारी। सूरज सूरज आ चुका है। अरे तो सूरज आ गए तो उसे दूध ले और भगा उसको। सूरज आ गए। बेटा सूरज दूध वाले की बात नहीं कर रही, सूर्य देवता देवता की बात कर रही हूँ। अच्छा सूर्य देवता, तो यूँ बोलो ना। लेकिन मम्मी इतनी जल्दी क्यों उठा दिया मेरे को, मैं तो सुबह 12-1 बजे उठता हूँ, 7 बजे कौन उठता है भाई? सुबह 7 बजे उठा दिया बताओ। लेकिन मम्मी आज तो संडे है, संडे, और संडे को उठना पाप, मतलब घोर पाप, और आपने मेरा पाप करा दिया। बेटा हम गाँव में सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, चाहे संडे हो या मंडे हो। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि सुबह 5 बजे उठ के सूर्य देवता के दर्शन करने चाहिए, और वही चीज हम तुम्हें सिखाते हैं बेटा। अरे लेकिन मैं रात में लेट सोया था ना, तो मुझे सुबह 12-1 बजे उठ के अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना था, यानी आपकी बहू के पास मिलने के लिए। अरे भैया तू उसकी टेंशन मत कर, मैंने पहले ही भाभी को यही बुला लिया। ये तो झूठ बोल रही है, तू कैसे बुला सकती है, तू तो ना उसको जानती ना तेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, झूठी। अरे भाई कल तेरे फोन में मैंने नंबर देखा था ना, और आज जब सुबह तू सो रहा था ना, तो मैंने तेरी ऐसे करके आंखें खोली और फोन खुल गया। क्या? नहीं तू झूठ बोल रही है, मेरे को तेरे पे विश्वास हो ही नहीं रहा, मैं तो सोने जा रहा हूँ वापिस, बाय। हेलो बेबी, मेरा मतलब शिखा, मेरी मम्मी जी, नमस्ते करो।
हैं? ट्यूशन की मास्टर नहीं लगती हूँ? पैर छूने को बोल। यू, यू, यू। पैर छू लो। इसकी कमर में दर्द हो रहा है? मम्मी कमर के दर्द का तो पता नहीं, लेकिन इसके कपड़ों में दर्द हो रहा है। छोटे कपड़े हैं ना इसलिए। अरे वो सब छोड़ो, तुम बेबी मेरा मतलब शिखा, चलो वहां चल के बात करते हैं, है ना? चलो। बैठो। पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? अरे पापा ये पूरे ही कपड़े हैं। जितनी लंबी इसकी फराक है ना, उतना लंबा तो मेरा गमछा है, गमछा। अरे पापा फैशन है आजकल का, तुम नहीं समझोगे। सीखो सीखो कुछ इससे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको बस इतना ही पता है कि गांव में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। शहर का तो कुछ भी नहीं पता आपको, जज करने लग जाएंगे बस। शिवम अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? ओ हाँ कराऊंगा बिल्कुल। ये देखो जो ये घटोत्कच जैसे दिख रहे हैं ना, ये जो अपनी मूछों को ताव दे रहे हैं, ये है मेरे पप्पा, मतलब मेरे डैडी। और ये प्यारी सी सुंदर सी स्वीट सी जो लेडी है ना, वो है मेरी मम्मी, प्यारी सी। बस ये है मेरी फैमिली। बस हो गया? हाँ हो गया। तो ये लड़की कौन है? अरे इसका भी बताना पड़ेगा क्या? ये मेरी बहन है बदकिस्मती से, और ये मेरे पापा इसको कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे, और ये किसी काम की नहीं है। मम्मी। बेटा कचरे के डब्बे से नहीं, इसको मंदिर की सीढ़ी से उठा के लाए थे हम। और तुझे लाए थे कचरे के डब्बे से। शिवम व्हाट रबिश दे आर टॉकिंग अबाउट? अरे वो हम अपने बर्थ प्लेस के बारे में डिसाइड कर रहे थे, क्या है कौन किसका, मतलब। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे भाभी आप इन सब को छोड़ो, मेरे पास आओ, मेरे से बात करो। बालों में कौन सा शैम्पू यूज करती हो भाभी? और दिल की बात है तुम्हारे। पापा ये क्या आप घूरे जा रहे हो शिकागो? पूछने तो कुछ अच्छी चीजें पूछ लो, टीवी की तरह देखे जा रहे हो बस। ये तो हमारी शादी की बात कर लो यार। हाँ बेटा शादी के लिए फैमिली होना जरूरी है, बहू की फैमिली कहाँ है? अरे पापा शिखा की घर फैमिली मैं ही हूँ, आपको जो भी पूछना है, जो भी तसल्ली करनी है मेरे से कर लो। बताओ क्या पूछना मेरी बेटी के बारे में, बताओ। अब मेरा मतलब मेरी शिखा के बारे में, बताओ बताओ बताओ। भैया तो भाभी से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? अरे पापा इससे क्यों पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ इसका घर का, मैं बताऊंगा। बेटा तू क्यों बोल रहा है? बहू से पूछा है, बहू को बोलने दो, बताओ बताओ। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन जब 18 साल की थी तो मेरे डैडी मम्मी मर गए। नहीं नहीं मरे नहीं है, वो यूएसए चले गए। USA उसा? अरे अब ये कौन सा शहर है? अरे पापा ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, ये ना विदेश है, विदेश जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते हैं ना, अंग्रेज लोग गोरे गोरे, वहाँ रहते हैं इसके मम्मी पापा। हाँ मतलब इसके मम्मी पापा अंग्रेज हैं, यानी कि ये भी अंग्रेज हैं? हाँ हाँ मम्मी मैंने भी अभी सुना था, भाभी अंग्रेजी में कुछ रब्बिश तब्बिश कह रही थी। अंग्रेजो भारत छोड़ो, अंग्रेजो भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ओए रुको, अरे मम्मी पापा कैसी बातें करो आप, शिखा कोई अंग्रेज नहीं है, वो बस अंग्रेजी जानती है, उसे अंग्रेजी आती है अच्छी तरीके से। शिवम जरा बात सुनना, तुम्हारी फैमिली पागल वागल है क्या? हाँ नहीं है, नहीं नहीं वो मजाक कर रहे हैं बस ऐसे। ये सब छोड़ो, खाना बनाना आता है तेरे को? हाँ जी आता है। और बर्तन धोना वो भी आता है। और बहू रात को मेरे पांव दबा दोगी? तुम्हारा गला ना दबा दूं मैं। बेबी ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा बोलने का मतलब ये था कि क्यों नहीं अंकल, जरूर जरूर आपके पांव दबाऊंगी। देखा पापा शिखा कितनी सुंदर सुशील और कितनी अच्छी लड़की है। बेटा इसे तो सब आता है। तो ये मैं रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल नहीं। देखा शिखा कांग्रेचुलेशंस, पापा ने कह दिया बिल्कुल नहीं। हैं वेट अ मिनट, क्या पापा बिल्कुल नहीं मतलब क्यों, अब क्या हो गया आपको, अब क्या चाहते हो आप? क्योंकि मुझे इसका नाम पसंद नहीं आया।
अरे तो पापा नाम बदल देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? मुझे इसके कपड़े पसंद नहीं आए। अरे तो मम्मी कपड़े बदल देंगे, क्या दिक्कत है? मुझे पसंद नहीं आया कि मेरे से ज्यादा अंग्रेजी बोले। अरे तो बहना इसकी अंग्रेजी बंद करवा देंगे, क्या दिक्कत है? तू या टॉप की अंग्रेजन समझ गई, अंग्रेजी इसकी बंद करा देंगे। हमें ये लड़की पसंद नहीं आई। अरे तो ठीक है, ये लड़की भी बदल देंगे, खुश पड़गी कलेजे को ठंडक। बेबी क्या बोल रहे हो, तुम मुझे बदलोगे? अरे नहीं बेबी, हाँ नहीं, क्यों? शिवम तुम ना पागल हो गए अपनी पागल फैमिली के साथ। यू हैव टू चूज फैमिली और मी। बेबी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो बाबूजी है मेरे, मानता हूँ कि मैंने मोमोज तुम्हारे साथ खाए हैं, लेकिन मम्मी है वो मेरी। मेरे पसंद के कपड़े भले ही तुम पहनती हो, आई लव यू, पर धन है ये मेरी। ठीक है तुम रहो अपनी पागल फैमिली के साथ, मैं तो जा रही हूँ। अरे पापा, पापा अपने घर की बहू को रोक लो पापा, वो जा रही है पापा। रुक जा बेटा, देखो पापा ने आपको रोक लिया, पापा मान गए शायद। बेटा पापा माने नहीं है, कुछ बात बतानी है तुमको। हाँ बेबी पापा ना आपको कुछ बताना चाहते हैं, अब रुक जाओ। तो सुनो। अरे कहाँ यार, वो पूरी पर्यटन को लेके आया है साथ में, जिस दिन अकेले मिलेगा ना। तुम्हें पता ही है मैं कोई काम अधूरा तो छोड़ती नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। चलो ठीक है, बात मत कर। नहीं नहीं बेबी, ये झूठ बोल रहे हैं, आपके पापा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तू बड़ी हरिचंद्र की औलाद है। लेकिन पापा आपको इसके पापा का नाम कैसे पता? इसके पापा का नाम हरिचंद्र है। बेबी तुम मेरी साइड हो या इनकी? इनके इनके छोड़ो, तुम ये बताओ तुम मेरी साइड हो या मेरे पैसों की साइड हो? Of course, पैसे की साइड। देखा पापा, ये मेरे पैसे की साइड है, इसका मतलब ये मेरे से प्यार करती है। अरे हाँ तो गधे की औलाद। क्या कहा आपने, मतलब गधे की औलाद? मैं मानता हूँ पापा आपने मेरे को कचरे के डब्बे से उठाया, मैं नालायक हूँ, कमीना हूँ, लेकिन गधे की औलाद। अबे उल्लू के पट्टे, वो तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्यार करती है। अरे तो पापा इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो उसकी है ना, वो मेरे पैसे से प्यार करती है, मैं क्या करूँ, मेरे से प्यार नहीं करती तो वो। मैं तो प्यार करता हूँ ना उसको, आप मेरे को सुनाए जा रहे हो, उसको भगाओ यहाँ से। हाँ पापा सही कह रहे, बाहर निकालो इसे यहाँ से। तुम लोग क्या मुझे भगाओगे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ओए सुन, तेरे को ना आज तक मैंने जितने भी पैसे दिए, तेरे पे जितना भी खर्चा किया, तेरे को जितने भी कपड़े दिलाए, मुझे सूद समेत पैसे वापस चाहिए, समझ गई? व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दूंगा। हाँ हाँ कर दूंगी वापस सब कुछ। कर दूंगी नहीं, चाहिए मेरे को, कर दूंगी। बेटा शहर में आके तू हीरो तो बन गया, लेकिन समझदार नहीं बन पाया। चुप हो जाओ, कितना डांटोगे मेरे लाल को। आजा बेटा इधर आ, आजा। हाँ पापा, भाई ने तो उससे सच्चा प्यार किया था, उस लड़की में ही खोट था। दगाबाज निकली पापा वो। कोई बात नहीं, अब इसके लिए लड़की मैं ढूंढूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए लड़की मैं ढूंढूंगी, तुम्हारी ना पसंद बेकार है। अच्छा तो जो तुमको पसंद किया था। क्या बोला तुमने, क्या बोलना चाहते हो? अरे चुप करो आप दोनों, मैं लेके आऊंगी भैया के लिए तो भाभी ढूंढ कर। माँ नहीं नहीं, अपने लाल के लिए लड़की मैं ही ढूंढूंगी। अरे चुप करो, मैं ढूंढूंगा लड़की इसके लिए। मैं ढूंढूंगी, मैं ढूंढूंगा। अरे चुप करो आप दोनों, भैया के लिए तो भाभी मैं ही ढूंढ के लाऊंगी। मैं ढूंढ के लाऊंगी, मैं लेके आऊंगी, मैं लेके आऊंगी, मम्मी मैं। दोस्तों इनके लड़ाई झगड़े तो ऐसे ही चलते रहेंगे जन्मों जन्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लाल कलर का बटन साइड में घंटा उसे भी दबा दो, ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। करो झगड़ा करो, मैं खुद ढूंढ लूंगा।